हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सपने में रास्ता भूलने का क्या मतलब होता है। देखिए, यदि आप सपने में रास्ता भूल रहे हैं या कोई ज़रूरी सामान रख के आप भूल रहे हैं या आपको कहीं पे जाना है और आप देख रहे हैं कि आपको आपके कपड़े नहीं मिल रहे हैं, आपने यहीं पर रखे थे और आप भूल गए हैं, या आप घर से निकल लिए हैं और बाद में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि मुझे किस रास्ते से जाना था, तो अगर इस तरह का सपना आपको आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जब भी आपको इस तरह का सपना आता है कि आप चीज़ों को भूल रहे हैं, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आप साइकोलॉजिकल बेस के अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजिकल ये सपना बताता है कि आप अपनी लाइफ में अपने गोल से अभी हटे हुए हैं। यानी ये सपना बताता है कि आप भले ही आपकी कोई भी स्थिति हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में हो तब ऐसा कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड आपको बताता है कि जो आपको अच्छी करना है, जो आपका गोल है, आप उससे भटक रहे हो, यानी कि आप सही रास्ते पर नहीं हो, आप फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो भी आपको इस तरह का सपना आ जाता है। अब बात करते हैं कि अगर यह आध्यात्मिक इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जब भी आपको इस तरह का सपना आता है कि आप सामान रख के भूल रहे हैं या कुछ भी रास्ता आप भूल रहे हैं, तो ये बताता है कि आप अपनी उलझनों में आने वाले समय में घिर सकते हैं। यानी कोई परेशानी आपकी लाइफ में आकर खड़ी हो सकती है जहाँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो भी आपको बार बार इस तरह का सपना आता है। लेकिन इसी सपने में मैं एक बात और ऐड कर देती हूँ, अगर आप पर्टिकुलर आपको एक ही सपना दिखाई दे रहा है कि आप मंदिर जा रहे हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, या आप मंदिर गए, आप दिया जलाने की कोशिश कर रहे हो, दिया नहीं जल रहा है, अगर इस तरह का आपको सपना दिख रहा है कि आप पूजा करने बैठे तो आपकी सामग्री जो पूजा की आप घर से लाए थे वो खो गई है, या मंदिर तक ही आप नहीं पहुंच रहे हो, या मंदिर जिस जगह होता था वो अब नहीं है, तो इस तरह का अगर एक ही सपना आपको आ रहा है, मंदिर से रिलेटेड सपना आपको आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कोई ऐसा वचन जो आपने भगवान को दिया था, जैसे कि कुछ लोग मनोकामना मांगते हैं कि मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर ये इच्छा पूरी हो जाती है, चढ़ाऊंगी, या दर्शन के लिए मैं इस जगह जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन नहीं गए, तो अगर आप कोई ऐसा वचन प्रभु को देके भूल गए हो तो भी आपको ये सपना बार बार आता है कि भाई आप अपने वचन को याद करें और जो आपने बोला था वो पूरा करें। तो अगर भगवान से, पूजा से, मंदिर से रिलेटेड आप चीज़ों को भूल रहे हैं तो बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए कि कभी आपने कुछ मतलब बोला तो नहीं था, कोई बोल ऐसी कबूल तो नहीं की थी जिसे कि आप आज के टाइम में भूल गए हैं और आपको ये सपना बार बार याद दिला रहा है। आई होप आपको सपना बहुत अच्छा ये लगा होगा, बहुत वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि टाइम पर आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय।